यूपी में अमरोहा जिले के बावनखेड़ी नरसंहार को जिस प्रेमी सलीम के साथ मिलकर शबनम ने अंजाम दिया था, वही प्रेमी अब शबनम को फांसी टलवाने में भी मददगार बन सकता है। 2008 में परिवार के साथ लोगों की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या करने की दोषी शबनम को फांसी लगने के लिए डेथ वारंट कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन इसे टालने की कोशिश भी अब होने लगी है। शबनम का 12 साल का बेटा राष्ट्रपति और राज्यपाल से गुहार लगा चुका है, वहीं अब दूसरा विकल्प उसका प्रेमी सलीम को माना जा रहा है। दरअसल सलीम की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसे आधार बनाकर शबनम हाई कोर्ट की शरण ले सकती है। शबनम के वकील शमशेर सैफी के मुताबिक शबनम और सलीम की फाइलें सेशन कोर्ट में साथ ही चल रही हैं। अदालत ने दोनों को 7 फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों की फाइलें साथ चली। राष्ट्रपति ने भी दोनों की दया याचिका साथ ही खारिज की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ शबनम की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है। सलीम की याचिका अभी भी विचाराधीन है। वकीलों का कहना है कि सलीम की पुनर्विचार याचिका विचाराधीन रहते शबनम डेथ वारंट जारी होने पर हाईकोर्ट जा सकती है, क्योंकि दोनों को एक जुर्म में एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। ऐसे में सजा भी समान रूप से मिलनी चाहिए। तो क्या शबनम की फांसी कुछ दिनों के लिए टल जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट आज के।